नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.2, इसका प्रश्न नंबर 2 आज हम करने जा रहे हैं। अनुपातों A1 बटा A2 कॉमा B1 बटा B2 और C1 बटा C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है बच्चों, ये तीन कंडीशन है ना, क्या वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं, ये हमें देखना है। ठीक है, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। पहली है 5x, इसका फर्स्ट भाग में 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 बराबर 0। तो बच्चों सबसे पहले हमें इसमें निकालना है a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2। अब a1, a2, b1, b2, c1, c2 कैसे निकालना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इन दोनों समीकरणों को एक स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है बच्चों, जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे हमारे पास a1 बटा a2 आया। a1 है, 1 मतलब पहली इक्वेशन, 2 मतलब दूसरी इक्वेशन, तो a1 मतलब पहली इक्वेशन का a, a2 मतलब दूसरी इक्वेशन का a, b1 मतलब पहली इक्वेशन का b, b2 मतलब दूसरी इक्वेशन का b, c1 मतलब पहली इक्वेशन का c, c2 मतलब दूसरी इक्वेशन का c। ठीक है बच्चों, तो a1 बटा a2 हमें निकालना है। तो a1 x के साथ वाली रकम 5 बटा a2 7। इसी प्रकार से b1 बटा b2, b1 है देखिए यहाँ पे माइनस 4 बटा b2 है 6। अगर ये कटता है तो इसको काट भी देना है साथ के साथ, मुझे ये लग रहा है कि ये कट जाएगा। किसके पहाड़े में देखो, आपको दिख रहा होगा ये दो के पहाड़े में कट गया, 2 2 4, 2 3 6। इसका मतलब जो b1 बटा b2 है वो हमारे पास आ गया माइनस 2 बटा नीचे है 3। इसी प्रकार से c1 बटा c2 भी आप निकाल के रख लो, c1 है 8 बटा c2 है माइनस 9। अब हमारे पास a1 बटा a2 आ गया 5 बटा 7, b1 बटा b2 आ गया माइनस 2 बटा 3, C1 बटा C2 आ गया 8 बटा माइनस 9। अब हमें क्या करना है, मेरे पिछले वीडियो में आपने एक टेबल देखा होगा, उस टेबल का हम प्रयोग करेंगे। आइए देखते हैं, ये टेबल हमने पढ़ा था और इसमें हमने देखना है सबसे पहला कॉलम क्या A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर है या नहीं है, पहले तो यही देखेंगे। तो देखो A1 बटा A2 आया 5 बटा 7, B1 बटा B2 आया माइनस 2 बटा 3, तो ये 5 बटा 7 माइनस 2 बटा 3 के बराबर तो नहीं है। इसका मतलब ये पहली ही कंडीशन हमें मिल रही है कि A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं है। यदि नहीं है तो कैसी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी एक बिंदु पर टच करती हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे इसको, हम लिखेंगे A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। ठीक है, अतः निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, आप चाहें इसको में थोड़ा सा कुछ ऐड कर सकते हैं, आप यहां लिखें दिए गए समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं। ठीक है, क्या बन गया, अतः दिए गए समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। हमें यही निकालना है ना कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। कैसे पता चला, ये टेबल हमने देखा, ये आपकी बुक में भी बना हुआ टेबल, आप इसको अपनी कॉपी में बना भी लेना। ठीक है, A1 बटा A2 B1 बटा B2 के बराबर नहीं था, इसलिए प्रतिच्छेदी रेखाएं यानी कि एक बिंदु पर टच करने वाली रेखाएं। ठीक है बच्चों,
आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आएगा, और समझ आया हो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।